हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका और अपने चैनल कुक विद मोनिका में आप सबका वेलकम करती हूं। दोस्तों, मैंने कुछ ही दिन पहले आपसे जो मैगी की रेसिपी शेयर की थी, लेफ्ट ओवर मैगी से हम कैसे पकोड़े बना सकते हैं, आप स्पेशली मैगी थोड़ी बनाए उसके पकोड़े बना सकते हैं, वो आपने बहुत पसंद की। दोस्तों, ये रेसिपी मैं चावल से काफ़ी टाइम से बना रही हूँ और मैंने वो रेसिपी आज स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है और मैं चाहूँगी आप वो रेसिपी को देखें। आप बचे हुए चावल से, खिचड़ी से आप बहुत ही उम्दा रेसिपी बना सकते हैं, आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। और अगर आकर अचानक से मेहमान आ रहे हैं घर पर और आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ चावल रखिए, ब्रेड रखिए, बेसन भी नहीं है, तो आप कैसे कितनी टेस्टी लाजवाब टिक्की बना सकते हैं, आप पकौड़े बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को दोस्तों बनाना बेहद आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ब्रांत वाले राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके चावल अगर बच गए हैं तो उनका बहुत ही अच्छा यूज है ये। तो ये सादे चावल हैं, आप इसमें अगर आपके पास खिचड़ी बची हुई है या आपके पास पुलाव बचा हुआ है, नमक वाला, जीरे वाला चावल या जो भी किसी भी तरह का चावल जो भी आपने पकाया था बच गया, आप नहीं लग रहा है एक कटोरी दो कटोरी बचा हुआ है, वो इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमें चाहिए बारीक कटे प्याज, थोड़ा सा लहसुन कूट लें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अगर आप लहसुन खाते हैं। आमचूर चाहिए, जीरा चाहिए और हरा धनिया। आप प्याज नहीं खाते तो आप इसमें शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गाजर कट के ऐड कर सकते हैं, नहीं तो प्याज ऐड करें, बहुत ही अच्छे स्वाद बनते हैं चावल के टिक्कियाँ पकौड़े आप जो भी कहें। तो मैं इसमें ये बेसिक मसाले ऐड करें, नमक मिर्च हल्दी तो ऐड होगा ही। साथ में दोस्तों इसका बाइंड करेंगे हम ब्रेड के स्लाइसेस से। मैंने मैगी की जो रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने बेसन इस्तेमाल किया था, आप इस रेसिपी में भी बेसन यूज़ करते हैं लेकिन ब्रेड ऐड करेंगे, सॉफ्टनेस भी रहेगी, क्रंचीनेस भी रहेगी। तो ब्रेड को हम सोक करेंगे, स्क्वीज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही एक तरफ आप तेल चढ़ा दें कढ़ाई में, क्योंकि जब तक हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमारा टाइम सेव होगा। एक बाउल में मैंने ले लिए चावल, ये 2 कप के करीब है। अब इसमें दोस्तों मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस स्क्वीज करके ऐड कर रही हूँ। आप इस तरह से ताज़ी ब्रेड या बासी ब्रेड जो भी रखी है लेकिन खाने में ठीक होनी चाहिए, आप उसे पानी में डालें, निचोड़ें और चावल में ऐड कर दें, ये बड़ा अच्छा बाइंडिंग का काम करती है। आप बेसन ऐड करना चाहें तो 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड से भी बहुत अच्छी सॉफ्टनेस क्रंचीनेस आती है, आप कभी बेसन से कभी ब्रेड से बना सकते हैं। तो मैं इसमें 3 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करूंगी, 2 कप के करीब बॉइल्ड राइस है तो 3 ब्रेड स्लाइसेस इसमें काफ़ी रहेंगे। तो मैंने इसमें सभी ब्रेड स्लाइस ऐड किए। अब मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, जिन्हें मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा, इस तरीके से प्याज हैं, 2 बड़े चम्मच कटे हुए प्याज समझ सकते हैं, 1 छोटा चम्मच या 2 छोटे चम्मच आप लहसुन कुटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में डाल देते हैं जीरा और आमचूर, अगर आमचूर नहीं है चाट मसाला, नहीं तो आधा नींबू का रस आप निचोड़ दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैं जो राइस इस्तेमाल कर रही हूँ वो फीके हैं, अगर आप नमकीन पुलाव इस्तेमाल करें तो नमक बहुत कम डालें क्योंकि ऑलरेडी नमक है। साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं टिक्कियों की तरह बना रही हूँ, बच्चे क्या हरी मिर्च वाले नहीं खाते तो मैं हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही। सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, हमारा टिक्कियों के लिए या कटलेट्स के लिए बैटर जो है या मिक्सचर जो है बिल्कुल बनकर रेडी है। तो उसमें या तो आप हाथ से इसकी छोटे छोटे गोल बॉल्स बना सकते हैं या फिर आप टेढ़ा मेढ़ा जैसे भजियाँ तलते हैं उस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसके दोस्तों कटलेट्स बनाने पसंद करती हूँ क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और कोई गैस नहीं कर पाता कि हमने लेफ्ट ओवर राइस से बनाए हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं ताकि चिपके नहीं और आप इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें। आप गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं, स्टार शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप सिलेंड्रिकल बना सकते हैं। इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएंगे और इन्हें तेल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, कटलेट्स मैंने बना लिए हैं, अब इन्हें तेल में फ्राई करेंगे। तेल दोस्तों एक तरफ हमारा गर्म हो रहा है और हम एक साथ 5 से 6 टिक्कियां या कटलेट्स फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे पूड़ी फ्राई करते हैं तो तेल गर्म होता है, उसी तरीके से आप गर्म तेल में ही कटलेट्स को फ्राई करें, नहीं तो ये बहुत तेल पी जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे, स्वाद नहीं लगेंगे। तो मैंने गर्मा गर्म तेल में फ्राई करी, मैं आंच को मैंने तेज किया हुआ, आप बीच में मीडियम या तेज रखें, कम ना रखें, और एक साथ 5 से 6 कटलेट्स को फ्राई करें ताकि क्रिस्पी भी फ्राई करें और हीट भी बैलेंस रहे। जब भी कोई चीज़ आप तेल में फ्राई करें तो एकदम से पलटे नहीं, कोई भी टिक्की आप फ्राई करें तो उन्हें 1 मिनट तक आप अच्छे से सेटल होने दें। जब ये आउटर लेयर दोस्तों थोड़ी पकनी शुरू हो जाए तभी आप पलट कर दोनों तरफ से पकाएं। दोस्तों, मैं तेज आंच रखी हुई, आप मीडियम से तेज आंच पर फ्राई करें। तो देखिए कितनी जल्दी 2 से 3 मिनट में चावल की टिक्कियाँ या चावल के कटलेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। दोस्तों, चावल की खासियत ये होती है कि एकदम से जलता नहीं है क्योंकि इसमें खूब सारा मॉइस्चर होता है, ये हमें ऊपर से और क्रिस्पीनेस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, चावल अपने आप ही ड्राई होकर बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट चावल के कटलेट्स बनकर रेडी हो गए और बहुत ही आसान थे बनाने। दोस्तों, आप इन्हें टिफिन में दे सकती हैं बच्चों को घर पर, अगर चावल तो दोस्तों जनरली बनते ही, और थोड़े से आप निकाल सकती हैं इस तरह से कटलेट्स बनाने के लिए, तो बचे हुए चावल का ये बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है।
तो लीजिए दोस्तों, बनकर रेडी हो गए आपके लिए गर्मा गर्म चावल के कटलेट्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बड़ी यूजफुल अच्छी लगी होगी। आप इसे बची हुई खिचड़ी, बचे हुए पुलाव, बची हुई बिरयानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है, मैदा, बेसन या आटा इस्तेमाल करके बाइंडिंग का काम ले सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनी है और बहुत ही क्रंची बनी है। मैं इन्हें जनरली टिफिन में बच्चों को दे देती हूँ, कई बार बर्गर में लगा कर देती हूँ, समझ ही नहीं पाते कि मम्मी ने क्या बनाया। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप में से काफ़ी लोग अपनी मम्मा से पूछने लगे मम्मी फ्रिज में चावल पड़े हैं, काफ़ी लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी होगी बनाने की। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, जल्दी से बनाएंगे, मुझसे शेयर करें कि कैसी बनी। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, सेहतमंद रहें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।